down ABC. We write down what? ABC. Suno to sari. Sun. We write down. Are suno na abhi. We write down ABC. अब ये ABC कौन है मैं तुम्हें बता दूं, ये partners capital है, ठीक है? अब इधर हम क्या लिखते हैं, इनका बैलेंस, कोई होगा बैलेंस, ठीक है? ये बैलेंस है मान लो 40,000, ठीक है? टोटल बैलेंस इज 40,000. अब मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कैश अवेलेबल है सिर्फ 10,000. तुम्हारे पास बैलेंस कितना है? 40,000. तुम्हारे पास कैश कितना है? 10,000. सो तुम्हारा लॉस कितना होने वाला है? 30,000. अगर बेटा मैं ये लॉस इनके अंदर बांट दूं तो जो मुझे बैलेंस मिलता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. नहीं समझे? देखो मैं क्या बोल रहा हूं. हम तीन दोस्त थे, दो दोस्त थे, छोड़ो, ए बी, राइट? और इसके अंदर क्या था, इसने 1,00,000 रुपए लगाए थे, मैंने 2,00,000 रुपए लगाए थे, 1,00,000 2,00,000, एग्रीड? तो फिर बी ने बोला नुकसान कितना हो रहा है आनंद? मैंने बोला यार लग रहा है 1,50,000 का नुकसान होएगा. बोले वो अंदर नहीं, 1,50,000 का नुकसान हो रहा है बंदे, बाकी के तो दे. लॉस अगर मैं माइनस कर दूं तो जितना कैश है बैलेंस है उतना तो दे. देखो ऐसे बात करते हो ना, वो पूछेगा अरे कितने रुपए लगाए अपन ने, 3,00,000, कितने का नुकसान हुआ? मैंने बोला यार शायद 1,50,000 का नुकसान हुआ, 1,50,000 या 2,00,000 का नुकसान हुआ, लेट्स अज्यूम 2,00,000 का नुकसान हुआ. तो क्या बोलेगा, अबे 2,00,000 का नुकसान होगा बाकी के तो दे. समझे कि नहीं समझे? जो लॉस है वो माइनस कर बाकी के तो दे. मैक्सिमम लॉस मेथड बिलीव्स इन दिस कॉन्सेप्ट. जो लॉस हुआ वांदा नहीं, बाकी के तो दे. से यस. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2,00,000 का नुकसान हुआ, एग्रीड? कैश अवेलेबल 1,00,000 है तो तुम जाहिर सी बात है 3,00,000 माइनस 1,00,000 कैश अवेलेबल, व्हाट इज द लॉस? 2,00,000. ये फिगर कैसे निकाल सकते? मैंने अभी आपको 2,00,000 लॉस से डायरेक्ट बोला, बट इसके निकालने के तरीके क्या है? 3,00,000 माइनस कैश अवेलेबल 1,00,000, व्हाट इज द लॉस? 2,00,000. से यस. सो बेटा 2,00,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पीएसआर में. लेट्स अज्यूम दैट द पीएसआर इज इक्वल. सो बेटा 1,00,000 इधर माइनस किया लॉस, और बी का कितना माइनस किया? 1,00,000. ये माइनस करने के बाद में इसका सरप्लस कितना आया? 1,00,000. तो वो कैश पेमेंट किसको हो जाएगी? बी को. अबे सिंपल लॉजिक है भाई, लॉस माइनस कर बाकी के तो दे. समझ में आया कि नहीं? अब चलो दूसरा मान लेते हैं, 2,00,000 का नुकसान हुआ, हाँ या नहीं? ए दादा लॉस कितने का हुआ? 2,00,000 का. बट बेटा जी आपका पीएसआर था 4:1 या 3:1 हो सकता है ना. पीएसआर कैन बी एनीथिंग. तो ए को नुकसान 2,00,000 का कितना जाएगा? 1.5 लाख. और इसको कितना जाएगा? 50,000. बोलो हां. लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट? पीएसआर. सो बेटा अभी इसका क्या आएगा? डेफिशिएंसी आएगा आई. और इसका कितना आएगा? 1,50,000 सरप्लस आएगा. कैश अवेलेबल तो 1,00,000 ही है ना. कैश अवेलेबल तो 1,00,000 है, मगर एक का आया लॉस और एक का आया क्या? सरप्लस. ध्यान रहे, जो लॉस आया दैट डेफिशिएंसी वुड बी बोर्न बाय अदर पार्टनर इन कैपिटल रेशियो एज पर गार्नर वर्सेस मरे रूल. व्हेन दे से डू पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर गार्नर वर्सेस मरे, ऑलवेज फॉलो मैक्सिमम लॉस मेथड. तुम पहले लॉस पीएसआर में बांटोगे, फिर एक पार्टनर की आएगी डेफिशिएंसी, वो डेफिशिएंसी आप बांट दोगे किसमें? वो डेफिशिएंसी आप बांट दोगे किसमें? इन कैपिटल रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स. डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
दिस इज विच रेशियो गार्नर वर्सेस मरे के हिसाब से. सो शैल वी सॉल्व वन प्रॉब्लम. बेटा मुझे एक बात बताओ, जंक्शन कहां से चेंज होते हैं? उसके पहले का सारा स्टोरी सेम टू सेम है क्या? हो नहीं. एग्री? डू यू ऑल एग्री? तो कम डाउन टू मी. बेटा कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर. एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. दिस इज अ कंसेप्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 20. रीड करो केयरफुली. पार्टनर्स ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 and 1/6. दैट इज नथिंग बट 3:2:1. दैट इज PSR. 3:2:1. दैट इज वॉट PSR. देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज. कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी एंड सन्ड्री एसेट. द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज. बेटा कैपिटल अकाउंट का रेशियो लिखकर रख लो. 3:2:2. द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज. फर्स्ट रियलाइजेशन 10,000, सेकेंड रियलाइजेशन 15,000 and third realization 25,000. Prepare statement showing distribution should be made applying Garner versus Murray principle. अगर कोई बोले ऐसा Garner versus Murray principle, अंदर ही अंदर समझ जाना कौन से method की बात करें. Maximum loss method. क्योंकि junction हमारा partners capital से related है, इसलिए इस problem में मैंने सिर्फ partners capital की चर्चा कर रहा हूं. उसके पहले का पूरा procedure same रहेगा. समझ आ रही क्या बात है? So let's start the story. Can you create this statement? Yes, मैं कर दू line draw कर दे दे बेटा. तू थक गई होगी, दे मैं कर देता हूं. बहुत थक जाती है बेचारी. आयन डेफिशियंसी. थोड़ा सा लोहा घिसा कर बेटा, ठीक हो जाएगा. डन. अच्छा अभी क्या लिखेंगे आप इधर? क्या लिखेंगे आप? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट रियलाइजेशन. जल्दी से लिखो बेटा. फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का है? 10,000. पहले लिखे बैलेंस ड्यू 80,000. बॉयज एंड गर्ल्स, बैलेंस ड्यू इज 80,000 ड्यूड. आपको समझ में आई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितना मैक्सिमम लॉस होएगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ 10,000 कितने का नुकसान होएगा? यू आर ट्रू अबाउट दिस 70,000. सो बेटा 80 - 10, कैश अवेलेबल इज 10, सो लॉस कितना आएगा? 70. मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज 70,000. अगर मैं 70,000 का नुकसान बांट देता हूं तो बेटा जी मुझे बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा, किसको कितनी कैश देनी है? बेटा PSR क्या है? लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR. 3:2:1. 70,000 का लॉस अगर ए को बांटा जाएगा तो उसको आएगा 35,000. बी को कितना आएगा? 3:2:1. 23,333 एंड 11,667. एक आदमी को जरूरत से ज्यादा लॉस दे दिया है. किसको? ए को. बेचारे ए का कैपिटल है 30,000 मगर लॉस दे दिया 35,000. तो उसका आया क्या? डेफिशिएंसी. बी का आया सरप्लस 6667 और सी का आएगा 8333. चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है.
ये क्या कर रहे समझ में आया क्या? पहले मैक्सिमम लॉस निकाला बेटा, मैक्सिमम लॉस को पीएसआर में बांट दिया। पीएसआर में बांटने के बाद में एक व्यक्ति का डेफिशिएंसी आया और दो व्यक्ति का सरप्लस आ रहा। अब आप जरा सोचकर बताएं, गार्नर वर्सेस मरे क्या बोलता है? गार्नर वर्सेस मरे क्या बोलता है? डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ए, ए मतलब इनसॉल्वेंट पार्टनर, अभी हम ए समझेंगे यहां पर। ए विल बी बोर्न बाय होम, बी एंड सी, इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। प्लीज चेक एंड लेट मी नो व्हाट इज द कैपिटल रेशियो। 3:3:2, दैट इज नथिंग बट 3:2। बी और सी का कैपिटल रेशियो क्या है? 3:2 है नहीं? तो बेटा लो कैलकुलेटर पर, 5000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 3000, और दूसरा कितना आएगा? 2000। तो ये देखो, डेफिशिएंसी ऑफ एज कैपिटल रिटर्न ऑफ अगेंस्ट दोज ऑफ बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट इज नथिंग बट कैपिटल रेशियो। बेटा ये आएगा 5000, 3000, 2000। Have you understood this? Now please understand what I'm trying to tell you. Next point. बेटा अब जब मैं इनमें से ये माइनस कर दूंगा, इधर मुझे पता चल रहा है कि किसको कितना पेमेंट होगा। मैनर इन विच, कोई घाई नहीं करे लिखे नहीं, मैनर इन विच 10,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो बेटा जी, ए को पेमेंट होगा निल, बी को पेमेंट होगा बेटा जी 30,000, सॉरी कितना आ रहा है उसको, 667 माइनस 3,000, ये 5,000 पॉजिटिव है, सही जवाब, और ये नेगेटिव है। सो बेटा इसको कितना, 3667, और दूसरे वाले व्यक्ति को कितना आएगा, 8333 माइनस 2,000 इज हाउ मच, 633। एग्रीड? तो बेटा तुम्हें समझ में आया क्या कितना पेमेंट हो रहा है? 3667 और 6333, मतलब इसके बीच के ये सारी बातें वर्किंग नोट थी बेटा। पेमेंट कितना हो रहा है ये यहां पे पता चल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? सो बेटा 5000 में से 5000 लेस हो गया, 667 में से कितना लेस हो गया, 3000। तो बेटा उसको पेमेंट हो रहा है 3667, उसकी डेफिशिएंसी बियर करा दी, और इसको पेमेंट हो गया 6333। अब अगर मैं लिखूंगा सेकंड पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कितना बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नेक्स्ट कितना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज, 15,000। एग्रीड? दिस इज सेकंड रियलाइजेशन, वट एवर। बेटा मुझे अब लिखना है बैलेंस ड्यू। बेटा ए को पहले गो में कुछ पेमेंट हुआ ही नहीं, आई विल राइट डाउन हाउ मच, 30,000। ए को कुछ पेमेंट हुआ ही नहीं बेटा, बी का कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस 3667 और बेटा जी 20,000 माइनस 6333। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या किया समझ में आया क्या? इस लेवल पर कितना पेमेंट किया ये बताया। तो जो उनका बैलेंस ड्यू था उनमें से मैं ये माइनस कर फिगर निकाल रहा हूं, तो बैलेंस ड्यू मिल जाएगा, ड्यूड। समझ में आएगा आपको? अब मुझे बताइए, 15,000 रुपए मिले, ये 70,000 टोटल आ रही है क्या? चेक कर लो, जाहिर सी बात है यार, 80,000 में से 10,000 ही पेमेंट किया है, तो इन तीनों की टोटल 70,000 ही आना चाहिए, सिंपल मैथ्स। अब मुझे बताओ कितने रुपए आ गए, 15,000, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 70 माइनस 15,000, 55,000, 70,000 माइनस 15,000 कितना आएगा, 55,000, 55,000 इज द मैक्सिमम लॉस, यस और नो?
इस मैक्सिमम लॉस को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1 PSR। तो बेटा चेक करो, ये देखो मैक्सिमम लॉस कितना आएगा, 55,000। हैव यू अंडरस्टूड हाउ 55,000? 70,000 माइनस 15,000, बेटा PSR में बांट तो 3:2:1 27,500। दूसरे का 18,333 9167। बेटा लकी गो राउंड, यहां पर किसी का नेगेटिव नहीं आ रहा। नेगेटिव आया तो गार्नर वर्सेस मरे आएगा। नेगेटिव आ रहा है क्या किसी का? नहीं। तुम्हें तुरंत पता चल रहा है ए को देना पड़ेगा 2,500, मतलब 15,000 में से ए को मिलेंगे 2,500। से यस। बी को कितने मिलेंगे बेटा? 26,333 माइनस 18,333 कितना जाएगा? 8,000। और रसगुल्ले बच्चों, सी को पेमेंट होगा 13,667 माइनस 9,167 कितना पेमेंट होगा? 4,500। बेटा ये पेमेंट की टोटल अगर आप देखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 15,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वी डूइंग? अपन मैक्सिमम लॉस माइनस करने के बाद में जो पैसा आ रहा है उतने का पेमेंट करना है, और अगर मैक्सिमम लॉस माइनस करने के बाद में नेगेटिव आ रहा है सो दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गार्नर वर्सेस मरे। लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR। बेटा अभी बैलेंस ड्यू कितना आएगा मैं आपको ओरली बता रहा हूं, पूरी क्लास का ध्यान इधर। इसको 2,500 पेमेंट हो रहा है क्या? ए को, बी को कितना हो रहा है? 8,000 हो रहा है क्या? और सी को कितना हो रहा है? 4,500। तो इसमें से ये माइनस करेंगे। से यस। सो बेटा ए का कितना बैलेंस ड्यू दिखेगा? 27,500। बी का कितना दिखेगा? 18,333। और इसका कितना दिखेगा? 9,167। चेक कर लो आप। Did we complete till this point? Now boys and girls, final. अब बेटा कितना बैलेंस बचा है अभी? ए का बताओ बेटा बैलेंस कितना बचा है? 27,500। बी का 18,333। सी का 9,167। 55,000। नेक्स्ट रियलाइजेशन कितना? 25,000। बेटा 25,000 अगर मैं माइनस करूंगा, एग्रीड, 55,000 में से, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस? 30,000। 30,000 को PSR में बांटो बेटा, 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000। सो बेटा बचा हुआ पैसा उनको देना पड़ेगा। सो ए को कितना मिलेगा पता है क्या? 27,500 माइनस 15,000 कितना? 12,500। बी को कितना मिलेगा? 8,333। और सी को कितना मिलेगा? 4,167। ठीक है, क्या हुआ, कंप्लीट कहां किया तूने? मॉड्यूल के इसके कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है मतलब लॉजिकल है, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस इट। टुमारो आई एम गोइंग टू डील सम ऑफ द क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स ऑफ दिस मैक्सिमम लॉस मेथड फ्रॉम योर मॉड्यूल। यू विल बेनिफिट मोर इफ यू रीड और सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉड्यूल टुमारो, मॉड्यूल एंड PM। हाँ इसमें रियलाइजेशन लॉस कितना आएगा तो आप नोट लिख के आ सकते हो, रियलाइजेशन लॉस इज, वेरी गुड बेटा, रियलाइजेशन लॉस इज ए 15,000, बी 10,000 एंड सी 5,000। जाहिर सी बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, यही तो नुकसान होगा।
सो इसके सारे क्वेश्चन होमवर्क है, आई बिलीव यू विल डू इट एंड कम मॉड्यूल पीएम करके आएगी ढोकली ढोकले गुड. सो विद दिस आई कैन टेल यू दैट वी हैव कंप्लीटेड विथ वॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नाउ वॉट वी आर लेफ्ट विद इज अमलगमेशन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अमलगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म ठीक है चल क्लोज.